क्योंकि लोग स्थानीय लेवल पर पूछते हैं कि भाई सांसद हाथ खड़ा कर रहे हैं कि उनके पास कोई साधन नहीं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। नहीं, बाढ़ तो हमारे यहाँ रिलीफ बढ़ रही है, पूरे वहाँ बिहार की सरकार हर सारे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो 6-6 हज़ार रुपया भी सबको अभी अकाउंट में मिल रहा है। कई दिनों से 5-7 दिनों से लगातार पैसे अकाउंट में जा रहे हैं जो लोग पीड़ित हैं, पीड़ित परिवार, और सर्वे भी हो रहा है और तत्काल जो है बाढ़ में जो 6 हज़ार रुपया मिलना वो मिल रहा है। आप लोग कितना दिन से यहाँ पर है, स्कूल में है? 3 दिन से ये लोग भूखे हैं, इनको कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं है। क्या सरपंच समिति सब सोया हुआ है, प्रमुख उप प्रमुख MLA MP सब सोया हुआ है, मध्य विद्यालय प्राथमिक मध्य विद्यालय करो वार्ड नंबर 5 और 6 देखिए सबका भूख से पूरा हाल है, चेहरा सबका घुसा हुआ है। ये देखिए उच्च स्थान में उसको ले जाके उसको राहत कैंप भी चलाया जा रहा है वहाँ पे। बताओ क्या उम्मीदें हैं सरकार से, केंद्र सरकार? नहीं, सरकार मैंने तो लोकसभा में भी उस दिन 0 आवर में भी रखा, 2-2 मरते हुए बाढ़ के मुद्दे को भी रखा। एक्चुअल में हमारे यहाँ यह है मामला कि हम नेपाल के सटे हैं और नेपाल में जब भारी बारिश होती है कोसी और महानंदा के बीच हम लोग पड़ते हैं अररिया। तो कोसी, अररिया और महानंदा की जो छोटी छोटी नदियां हैं, परवान है, बकरा है, भलवा है, नोहंद्रा है, कनकई है, सुरसर, ऐसे कई नदियां हैं जो उसमें पानी अचानक आता है और पानी फैल जाता है। तो उस नदी में तटबंध होना चाहिए, बाढ़ सुरक्षात्मक बांध बनना चाहिए। आप लोगों ने नितिन जी से मिला था, नितिन गडकरी या फिर जल संसाधन मंत्री से? जल संसाधन मंत्री से मैं मिला हूं और कहा भी उन्होंने कि मैं एक महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें फर्स्ट और सेकंड फेज का काम हुआ था किशनगंज टू कटिहार, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा फेज में काम होना था और नदियों का भी बाढ़ सुरक्षात्मक बांध बनना था, जो काम 2-3-4 साल से अटका हुआ है।